नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में हम जिस देवी को शक्ति का रूप में पूजते हैं, उस देवी के बारे में हिंदू शास्त्रों में कई बातें बताई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इनसे जुड़ी मान्यताएं क्या है और देवी का जन्म कैसे हुआ था? कैसे हुआ देवी दुर्गा का जन्म? माना जाता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ था, जो राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर सभी देवताओं को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता त्रिमूर्ति के पास गए। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। यही कारण है कि देवी दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। सबसे ताकतवर भगवान देवी दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए देवी दुर्गा सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती है। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, ब्रह्मा ने कमल, वायुदेव ने नाक मिली, पर्वतों के देवता हिमावंत से कपड़े, धनुष और शेर मिला। ऐसे ही सब देवताओं ने एक एक करके देवी को शक्ति दी। तब वो दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। नौ दिन ही क्यों की जाती है देवी दुर्गा की पूजा? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा को महिषासुर को मारने में नौ दिन लग गए थे। यही कारण है कि नवरात्रि को नौ दिन तक मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर और अन्य राक्षसों को मारने के लिए देवी दुर्गा ने हर दिन अलग अलग रूप लिया था। यही कारण है कि नवरात्रि में नौ दिन नौ अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। शेर की सवारी ही क्यों? अक्सर हम तस्वीरों में देवी दुर्गा को शेर की सवारी करते देखते हैं। मन में सवाल उठता है कि आखिर देवी दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती है? दरअसल माँ दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर दुख और बुराई का अंत करती है। 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने के दौरान 108 मंत्रों का जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान राम ने देवी दुर्गा को 108 नीलकमल चढ़ाए थे। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन रावण का वध हुआ था, उस दिन दशहरा मनाया जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के अंत में दशहरा मनाया जाता है और उस दिन रावण को जलाया जाता है। आइए आपको लेके चलते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ब्यूरो चिपगोरा रायसागर के साथ मूर्तिकार के पास कि वो माता दुर्गा की प्रतिमा कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ गौरव रायसागर। आज जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी सिवरीनारायण में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि धार्मिक नगरी सिवरीनारायण में बहुत सारे मूर्तिकार भाई हैं जो मूर्तियाँ बनाने में अभी व्यस्त हैं। और 26 तारीख से नवरात्रि, हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि पर्व अभी आने वाला है। और 26 तारीख से चौक चौराहे पे, जगह जगह पे, पंडालों में माता दुर्गा विराजमान होने वाली है। और हम मूर्तिकार किस तरह से मूर्तियां की तैयारियां में लगे हुए हैं, उनको आपको जेएक्स न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि मूर्तिकार किस तरह से मूर्तियों को अभी बनाने में, लास्ट रूप देने में लगे हुए हैं और किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप कैमरे से माध्यम से देखिए कि मूर्तिकारों को बहुत सी समस्याओं का और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मूर्ति बनाने में। हिंदुओं का मेन त्यौहार, पावन त्यौहार नवरात्रि पर्व 26 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उसको लेकर यहाँ मूर्तिकार अभी तैयारियाँ में लगे हुए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विश्वास के नाम से जानते हैं यहाँ सब पे। आज 14 साल हो गया मूर्ति बना रहे हैं। ऐसा दुर्गा के मूर्ति 101 पीस मूर्ति, माता जी का मूर्ति बना है। अच्छा बिक्री हुआ है, प्राय 90% 95% निकल गया है। हाँ, 5-7% बचा हुआ है। आशा करते हैं अभी 4 दिन और बचे हैं, निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मौजूद हैं मूर्तिकारों के पास और वो लोग अभी माता दुर्गा की प्रतिमा बनाने में भी बहुत व्यस्त है। हम मूर्तिकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि मूर्तियां बनाने में किन किन दिक्कतों को लोग सामना करते हैं और कोरोना काल के बाद अभी मार्केट खुला है और इस वर्ष क्या उम्मीद लगती है, मार्केट कैसा रहेगा और इस बार सेलिंग कैसे रहेगी, इससे बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद है, मैं टुंडा का निवासी हूँ छत्तीसगढ़ का।
जी भैया बताएंगे कि माता रानी का आप मूर्तियाँ बना रहे हैं, कितने दिनों से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं? हम लोग तो 20 साल हो गया है बनाते, और इस साल दो साल तो नहीं बन पाया है, एसओ से चालू किया है यहाँ शिवरी नारायण में पहले बार, और इतना तो मार्केटिंग में ज़्यादा मूर्ति बन गया है तो उतना रेट नहीं जा रहा है, फिर भी ग्राहक को वापस नहीं भेज रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारा जगह है, गार्डन के सामने है शिवरी नारायण में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लड़कियां भी मूर्तियां बनाने में आगे आ रही है, मूर्तियां बनाने के काम में आगे आ रही हैं। हमारे पास यहाँ गुड़िया है जो माता रानी का मूर्ति सजा रही हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने दिनों से मूर्तियां बना रहे हैं। जी गुड़िया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हंसा देवांगन है। जी आप कितने दिनों से मूर्तियां बना रहे हैं? मैं बचपन से बना रही हूँ, क्योंकि ये हमारे के घर के लोग बनाते हैं। किनके साथ मिलकर आप मूर्तियां बनाने स्टार्ट किए थे? मेरे पापा के साथ ही बनाती हूँ। कितना दिन हो गया आपको मूर्तियां बनाते? अब मैं तो बचपन से ही बना रही हूँ। कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं आप? हम लोग गणेश, दुर्गा, विश्वकर्मा, लक्ष्मी सब बनाते हैं। अच्छा, कैसा लगता है मूर्तियाँ बनाकर? मूर्ति बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये धार्मिक काम है और मन भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है काम करने से। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ हैं, और हम मूर्तिकारों से जानेंगे कि ये जो मूर्तियाँ वो लोग बनाते हैं वो प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, और ये प्रकृति के लिए क्या कुछ लाभदायक है, या अभी जो प्लास्टिक वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट ऐसे सामान आते हैं जिनका उपयोग करके भी बनाते हैं, और हम मूर्तिकारों से जानेंगे कि वो लोग ये मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं, और उस मूर्ति को बनाने में उन क्या क्या चीज़ का, क्या क्या सामानों का इस्तेमाल करना पड़ता है उन लोगों को। जी भाई, आपका नाम? बसंत कुंभकार, मैं शिवनान से हूँ। प्रश्न जी बताएंगे, आप कितने दिनों से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं? हम यहाँ 25 साल से मूर्तियाँ बना रहे हैं, और हमको 10 साल हो गए अपने पिताजी के साथ देते हुए। हमारे पिताजी 25 साल से मूर्ति बना रहे हैं यहाँ शिवनान में। आप लोग मूर्तियाँ जो बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे पानी में विसर्जित होता है अगर माता दुर्गा या फिर गणेश भगवान, चाहे कोई से भी मूर्ति हो, तो प्रकृति को कितने नुकसानदायक है या फिर सेफली है, क्या चीज़ है? प्रकृति को तो वैसे नुकसानदायक नहीं है, जो पहले प्लास्टर का मूर्ति बनता था उससे नुकसान होता था, प्रकृति के लिए कोई हानिकारक नहीं है। ये हमारी मूर्तियाँ प्योर मिट्टी से बनी हुई हैं। पहले अपन यहाँ से लकड़ी स्टार्ट करते हैं, लकड़ी में पैरा रस्सी, फिर पिरोसी से मिक्स मिट्टी, फिर प्योर मिट्टी, फिर वॉल पुट्टी करके इसको कंप्लीट करते हैं फिनिशिंग के लिए, फिर इसमें रंग पेंट, जो प्योर वाटर कलर रहता है, वैसे प्लास्टिक कलर कुछ रहता नहीं, प्लास्टर भी यूज नहीं होता इसमें, प्रकृति कोई नुकसानदायक नहीं है, और जो ये पानी में जाने के बाद पूरी तरह मतलब मिक्स हो जाती है, और ये जो बाकी पैरा लकड़ी बचता है वो सब गांव वालों को काम भी आ जाता है।